हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और अगली वीडियो हम लेकर के आए हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के कौन कौन से लाभ हैं, यानी कंप्यूटर अकाउंटिंग अगर हम अपनाएं तो अपनाएं क्यों, हमारे लिए कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे। ओके, और इसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, जिसमें भी आपको अगर लिखना होगा तो आपको हेडिंग्स आसानी से मिल जाएंगी। और इनके जो नोट्स हैं उनके लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर 9719811101, ओके, ये ऑफिस का नंबर है, इसमें नाम एड्रेस और क्लास भेज करके आप ये नोट्स ले सकते हो। तो मैं बता दूं कि देखो, हर स्टूडेंट अपनी कॉपी में लिखता जरूर है, लेकिन हमारे अंदर कितना नॉलेज है ये हम कॉपी में कितने अच्छे से प्रेजेंट करेंगे उसी से वहाँ पर झलकता है, क्योंकि वहाँ फोटो नहीं लगा होता है। हमारे बारे में कॉपी चेक करने वाले के लिए कुछ भी पता नहीं होता है, वहाँ सिर्फ कॉपी ही हमारे लिए प्रेजेंट करती है। तो जब भी कहीं पर कंप्यूटराइज लेखांकन के या किसी के लाभ लिखने के लिए आए, तो यहाँ पर जो डॉट डॉट मैंने नीचे ये लाइन जो लिख दी है, या इसका मतलब है कि दो तीन लाइनें यहाँ पर ऐसा लिखी है जो लाभ के बारे में, और उनको किस तरह से लिखोगे कि कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली के लाभ, हेडिंग डालने के बाद तुरंत नीचे दो या तीन लाइनों में इस तरह से लिखोगे कि जब जो कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली है बहुत ही लाभदायक प्रणाली है, इस प्रणाली को अपनाने से कार्य एकदम शुद्ध, शीघ्र और तेजी से होता है, तथा वर्तमान समय में प्रत्येक व्यापार द्वारा अधिकांश रूप से ये अपनाई जा रही है, क्योंकि इसमें कार्य करने के साथ साथ में जो परिणाम हैं वो अत्यधिक शुद्धता के साथ और तेजी से हमें प्राप्त होते हैं। तो इतनी लाइनें अगर लिख दोगे तो उससे क्या होता है कि कॉपी चेक करने वाला वो दो तीन लाइनें पढ़ेगा, इसके बाद आपकी हेडिंगों पर तो निगाह है उसकी जा सकती है, बाकी इन हेडिंगों के बीच में क्या लिखा है ये नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसा होता है वहां पर जो कॉपियां चेक होती हैं तो उनमें हेडिंग को देखने से ही समझ जाता है कि बच्चे में कितना नॉलेज है। ओके, तो इन चीजों में देखो, हमारे चैनल पर सबसे पहली बात बता दें, आपको नंबर ऑफ हेडिंग्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, पूरे यूट्यूब पर देख लीजिए, इसके बाद हमारे यहां आइए और हमारे यहां देखिए कि जो हेडिंग्स होंगी एकदम इजी लैंग्वेज में होंगी और नंबर ऑफ हेडिंग्स भी सबसे ज्यादा होंगी, और जो अच्छी मार्किंग मिलती है वो हमें टॉपिक बेस पे ही तो मिलती है। जो हेडिंग होती हैं उनको कितना अच्छे से आपने बनाया है, वो टू द पॉइंट है या नहीं है, इन्हीं से मिलती है। तो अब शुरू करते हैं, बात करते हैं कि कंप्यूटर लेखांकन प्रणाली यानी कंप्यूटर अकाउंटिंग के हमें एडवांटेज कौन कौन से हैं। पहला एडवांटेज है, पहला लाभ है, सुरक्षित डेटा, यानी इसमें जो डेटा रहता है वो कैसा रहता है, सेफ रहता है, हमारे जो कर्मचारी हैं वो देख नहीं सकते हैं, ठीक है, वो उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जो कुछ भी है वो कंप्यूटर में कैद है, ठीक है। तो पहला जो सबसे बड़ा लाभ है वो है सुरक्षित डाटा का। दूसरा है विश्वसनीयता का गुण, अगर हम हाथ से कोई लेखांकन करते हैं, ट्रस्टीनेस इसे कहते हैं, ट्रस्टनेस कहते हैं, अगर हम हाथ से लेखांकन करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है, लेकिन हम कंप्यूटर से जब करते हैं तो वो डेबिट क्रेडिट का बैलेंस हमें सामने दिखाता रहता है। ओके, और अगर हमने सॉफ्टवेयर में वर्क किया और वहाँ पर अगर हमने कुछ कर दी, कुछ गलत किया, जैसे आपने मोबाइल में भी देखा होगा कि अगर गलत किसी की स्पेलिंग लिख दो तो उसके नीचे रेड रेड लाइन बन के आ जाती है, तो वही चीज़ इसमें होती है कि अगर कोई लेखांकन को हम अगर छेड़छाड़ के साथ में कर रहे हैं, गलत कर रहे होते हैं, तो वो पहले ही पता चल जाता है। तो ये माना जाता है कि कंप्यूटर से किया गया जो लेखांकन होता है वो अधिक विश्वसनीय होता है। नेक्स्ट है समय की बचत, देखो टाइम सेविंग, जब कंप्यूटर से काम करते हैं तो क्या है, बड़े तेज़ी से काम हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अब जो कंप्यूटर अकाउंटेंट लगते हैं उनमें क्या होता है, इंग्लिश में 30 से 32 शब्द प्रति मिनट और हिंदी के 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग जब वो करते हैं, तो समझ लो कि एक मिनट में जब इतना डेटा निपटाते हैं तो कितनी तेजी से काम होता होगा, तो इससे क्या होता है, समय की भी बचत होती है। दूसरी चीज़ है शुद्धता, शुद्धता कहते हैं उसके लिए कि जो अकाउंटिंग है वो सही है या नहीं है, तो एकदम शुद्ध लेखे इसमें किए जाते हैं और उसमें शुद्धता का जो स्तर है हाथ वाले से ज़्यादा मान लिया जाता है, ठीक है, मान लिया नहीं जाता, होता ही ज़्यादा है। नेक्स्ट है कागजी कार्य से मुक्ति, पेपरलेस वर्क, और इसमें पेपर को बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इससे दो लाभ होते हैं, नंबर एक पेपर को उलट पलट के देखना नहीं होता, दूसरी चीज जो हमारा पर्यावरण है वो भी इससे कहीं ना कहीं जाकर के सुरक्षित हो रहा है, क्यों, क्योंकि पेपर किससे बनता है, पेड़ पौधों से ही बनता है, तो जब पेड़ पौधों के कटान की जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर तैयार करने के लिए, तो उससे हमारा जो पर्यावरण है वो भी अच्छा होगा, तो यहाँ पर कागजी कार्य से क्या होती है, मुक्ति मिलती है। नेक्स्ट है तेजी से कार्य, स्पीड वर्क,
देखिए इसमें क्या होता है, कंप्यूटर में तेजी से काम किया जाता है, ऊपर था क्या समय की बचत, और ये है यहाँ पर तेजी से कार्य। कभी कभी क्या होता है कि हमारे लिए तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है, यानी रिपोर्ट चाहिए होती है, तो क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर के द्वारा काम करने से जो रिपोर्ट है वो खुद ही तैयार होती चली जाती है, या पहले से कोई रिपोर्ट पड़ी हुई होती है उसको एडिट करके और नई रिपोर्ट बना करके तेजी से काम कर लिया जाता है। नेक्स्ट है शीघ्र परिणाम, इससे जो रिजल्ट मिलते हैं वो भी शीघ्र मिलते हैं, यानी एक सर्च का ऑप्शन होता है कंप्यूटर अकाउंटिंग में, और वहाँ सर्च करके हम कोई भी जो डेटा है उसको तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं और जो परिणाम है वो तुरंत हम प्राप्त कर सकते हैं। ग्राहकों पर प्रभाव, ये वर्तमान समय में देखा जा रहा है इफेक्ट ऑन कस्टमर्स, क्या है जब ग्राहक किसी भी वहाँ जाते हैं शॉप पे जाते हैं वो देखते हैं अरे सब कुछ यहाँ कंप्यूटराइज्ड है, सब कुछ यहाँ पर जो बिल कट रहे हैं वो हाथ से ना करके उसमें कट रहे हैं, तो एकदम साफ साफ आता है, कटिंग भी नहीं होती है, सुंदर वो छप करके आता है, प्रिंटेड होके आता है, तो उससे क्या है ग्राहकों पर भी एक जो प्रभाव है वो कैसा है पॉजिटिव पड़ता है। कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से प्रचलन इसलिए भी आया है कि एक फैशन का दौर जैसा भी बन चुका है कि बोले अरे भाई वहाँ तो सब कुछ कंप्यूटर से ही होता है या कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है, तो इनका भी फर्क पड़ता है जब करके कस्टमर्स में, क्योंकि कस्टमर थोड़े भोले भाले होते हैं, इतना वो नहीं समझ पाते हैं कि हाथ से रखेंगे, हाथ से लेखांकन करेंगे तब भी वैसा ही होगा और कंप्यूटर से कर रहा है तब भी वैसा ही होगा, लेकिन उनके लिए वो चीज़ वहाँ पर ज़्यादा अपडेट लगती है। और आपने भी देखा होगा कि अगर किसी ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पर कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जो कंप्यूटराइज ना हो, भले ही चाहे वो कोई काम में आ रहा हो या ना आ रहा हो। ओके, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर से कार्य, इसमें सबसे अगला जो फायदा है वो ये है, लाभ है कि इसमें जो वर्क किया जाता है वो सॉफ्टवेयर से किया जाता है, और सॉफ्टवेयर से वर्क करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसमें कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी सॉफ्टवेयर चलाना अगर सीख लेगा तो वो काम को शुद्धता के साथ में कर सकता है। तो कंप्यूटर अकाउंटिंग में जो भी काम किया जाता है वो टैली के साथ में किया जाता है, टैली एक सॉफ्टवेयर है, और अगर आप इसको सीख लेंगे तो अकाउंटिंग वर्क आप भी कर सकते हो, भले ही चाहे आपने कॉमर्स पढ़ी हो इससे पहले ना पढ़ी हो, लेकिन जब इस सॉफ्टवेयर चलाना सीखोगे तो उसमें होता क्या है, एक को डेबिट करना है दूसरा अपने आप क्रिएट हो जाएगा, एक को क्रिएट किया तो दूसरा अपने आप डेबिट हो जाएगा, तो इस तरह से ये जो वाउचर्स तैयार होते हैं जो अकाउंटिंग वर्क किया जाता है वो भी बड़ी सतर्कता के साथ में हो जाता है अपने आप, और कहीं ना कहीं पर सॉफ्टवेयर से काम करने में जो कार्य है वो ठीक से होता हुआ चला जाता है, शुद्ध होता हुआ चला जाता है, क्योंकि उसमें वही ऑप्शन आगे खुलते हैं जो काम के होते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा बुद्धि लगानी नहीं होती है। नेक्स्ट है मिलान करने में आसानी, ये क्या होता है, इजी टू टैली, टैली करने में सुविधा ये रहती है, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है कि उसमें जिस चीज़ की हमें टैली करना होता है वहीं पर उसको सर्च मिला करके और हम एक दूसरे से एक्सेल सीट वगैरह बना करके वहाँ पर टैली करने का विकल्प हमारे लिए मिल जाता है, तो मिलान करने में भी क्या रहती है, आसानी रहती है। तुरंत डाटा ट्रांसफ़र, अगर कोई डेटा किसी और स्थान पर हमें भेजना होता है तो क्विक डाटा ट्रांसफ़र हम इसको कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, 5G अब हर जगह पर पहुंच चुका है, तो ऐसे में बड़ी से बड़ी फाइलों को तुरंत दूसरे स्थान पर सेंड किया जा सकता है, वो भी कॉपी करके सेंड किया जा सकता है, और कट पेस्ट करके भी इसको वैसी की वैसी फाइल सेंड की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बता दूं कि जो डेटा ट्रांसफ़र का जो काम होता है वो कंप्यूटर के तेजी के तरह किसी और तरह से नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, कोई व्यक्ति कितनी दूर क्यों ना बैठा हो लेकिन सारा का सारा डेटा आउट करके और उसके पास में पहुंच जाता है। नेक्स्ट है घर से भी कार्य, देखिए इसमें क्या होता है, इंटरनेट का जब भी वर्क शुरू होता है, इंटरनेट से जब हम काम करते हैं तो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि हम ऑफिस में बैठे तभी काम कर रहे हैं, अगर ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं कुछ ज़रूरी काम निपटाना है तो हम घर से भी निपटा सकते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम का जो सबसे बड़ा हमें ऑप्शन मिला हुआ है वो किसमें, कंप्यूटर के लेखांकन प्रणाली में ही मिला हुआ है, यानी कंप्यूटरों में इंटरनेट के माध्यम से कहीं पर भी बैठ के और किसी का भी काम निपटाया जा सकता है। ओके, तो ये भी एक सबसे बड़ा है। अगला है कम खर्च, लो एक्सपेंसेस, देखिए लो एक्सपेंसेस का मतलब यहां पर यह है कि इसमें जो खर्च है वो भी कम आता है, क्यों कम आता है, एक व्यक्ति अगर एक ही बिजनेस में बैठेगा तो उसको पूरा वेतन देना पड़ेगा, लेकिन अब क्या है आप जैसे बुद्धिमान लोग कई कई कंपनियों के कई कई पेशेवर लोगों के जो अकाउंटिंग वर्क हैं वो अपने घर से ही करके निपटा रहे हैं। एक चीज़ और बता दूं, एक वीडियो मैंने बनाया है कि कॉमर्स पढ़ने के बाद में कमाई कैसे करेंगे, वो जरूर देख लीजिएगा, उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारी वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छी अर्निंग वहाँ से कर रहे हैं। ओके, तो कम खर्च पे इसमें खर्च भी कम होता है। नेक्स्ट है कर्मचारियों पर नियंत्रण, देखो क्या होता है कंट्रोलिंग ओवर द वर्कर्स, इसमें जितना भी हमारे पास में स्टॉक आता है, परचेज होता है, सेल होता है, जितने भी आय और व्यय होते हैं वो सब कंप्यूटराइज हो जाते हैं, तो वहाँ पर चोरी की संभावना, हेरा फेरी की संभावना और स्टॉक में गड़बड़ी की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यानी कर्मचारी लोग भी डरते हैं क्योंकि उनको पता है जितना आ रहा है वो सब कंप्यूटर में चढ़ के आ रहा है स्टॉक में, और जितना बेच रहे हैं फिर वो उसी में से बिल कट कट के निकल रहे हैं,
तो कहीं पर अगर कोई चीज़ अगर गायब होती तो तुरंत मालिक पकड़ लेगा कि हाँ भाई कहाँ पर ये चीज़ इतना माल चला गया। पहले क्या होता था, हाथ से लेखांकन होता था तो एक दो चीज़ गड़बड़ हो जाती थी, लेकिन अब तो कंप्यूटर बिल्कुल नहीं छोड़ता है, वो ऑफिस में बैठे बैठे दिखा देता कि अभी गोदाम में कितना माल है, कितनी पेटी माल है, कितने कार्टून्स वहाँ पर रखे हुए हैं, कितने यूनिट्स हमारे पास में हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि कर्मचारियों पर नियंत्रण रहता है, कंट्रोलिंग ओवर द वर्कर्स। नेक्स्ट है डाटा भंडारण। डाटा भंडारण का मतलब है कि डाटा स्टोरेज। देखिए अब कंप्यूटर में क्या है, बहुत बहुत बड़ी जीबी की हार्ड डिस्क लग चुकी है, तो उसमें क्या है कि बड़े से बड़ा डेटा है वो भी सुरक्षित रहता है, और अगर डेटा को एक दूसरे स्थान पर पोर्टेबल बनाना है तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लग जाती है, और समझ लो कि वो हार्ड डिस्क ऐसी होती है कि जहाँ जाओगे वहीं उसके लिए कनेक्ट करो और अपना पूरा वर्क कर लो। तो ये बहुत बड़े लाभ हैं, मैंने तो यहाँ पर 15 लाभ लिख दिए हैं, और इतनी अगर हेडिंगें आपने लिख दी तो कॉपी चेक करने वाले समझ जाएंगे कि आपको आपके सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज है। तो ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और इतनी हेडिंग्स में से आपने देखी कितनी इजी हेडिंग मैंने बनाई, कितनी सरल बनाई, एक बार पढ़ोगे सब तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से जुड़े रहिएगा हमसे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।